हेलो एवरीवन, ड्यूरिंग लॉकडाउन आई वाज जस्ट थिंकिंग वन डे सिटिंग पीसफुली एंड अ थॉट जस्ट केम अक्रॉस माय माइंड अबाउट द टॉपिक ऑफ लेविटेशन एंड आई थॉट क्या लोग वाकई हवा में उड़ सकते हैं. सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग फर्दर एंड आई हैव रिटन डाउन सर्टेन थिंग्स विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. और इन फैक्ट दिस इज अ सिंपल रिकॉर्ड ऑफ वट आई हैव रिटन, क्योंकि ये कागज़ में कहीं दब जाएगा, भूल जाऊँगी और कहीं रह जाएगा. इसलिए ऐसा ना हो इसलिए यूट्यूब का सहारा लेकर के ये वीडियो बना दे रही हूँ कि कभी भी कोई इसको देखेगा, शायद मेरी बात में कुछ ग्रेविटी हो, कुछ तथ्य हो, कुछ मायने हो. एंड आई हैव अंडरस्टूड समथिंग ऑफ कोर्स, लेकिन जो कोई भी जो ये देखेगा वो शायद कुछ और सोच समझ पाए इस बारे में. एंड मे बी ही मे बी ऑफ बिगर यूज टू दिस प्लैनेट. तो मैंने जो लिखा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, हालांकि ये बहुत जल्दीबाजी में बस लिखते चले गए और समय सोचा नहीं था कि लिख क्या रहा है. सो व्हाट आई रोट इज ह्यूमन बॉडी और फिजिकल बॉडी जो है फर्स्ट लेयर है, ये जो हमारा पंच ये अन्न कोश कहलाता है, फिजिकल बॉडी जो ऊपर की बॉडी है जो दिखती है लोगों को, ये हमारी पहली लेयर ऑफ बॉडी है. योग जो लोग पढ़ते हैं योग साइंसेस उनको तो ये पता ही है. देन वी हैव एनर्जी बॉडी या मॉलिक्यूलर बॉडी कहते हैं, ये सेकेंड लेयर होता है हमारी बॉडी का. इसी तरह से कहा जाता है, योग साइंसेज में पढ़ाया भी जाता है और बड़े बड़े सेंट्स और गुरुज इस बारे में उनके वीडियोस भी हैं कि देर आर सेवन लेयर्स ऑफ बॉडी. तो हमें ऊपर के ही दोनों को ध्यान में रखा है इस चर्चा में. सो दिस इज अ डायग्राम हमने ऐसा बनाया हुआ है. एक फर्स्ट नंबर वन रिप्रेजेंट द फिजिकल बॉडी, फिर उसके अंदर डॉटेड लाइन से बनाया नंबर टू जो कि एनर्जी बॉडी है या मॉलिक्यूलर बॉडी है, और सो ऑन सो फोर्थ. फिर एकदम जो इटर्नल बॉडी होती है थर्ड नंबर पे कोर में वो बना दिया है, बीच में और भी होती हैं. सो सेंस एनर्जी शोज इस इफेक्ट इन एन इनसर्कल्ड एरिया अराउंड कॉल्ड फील्ड. एनर्जी बॉडी ऑल्सो हैज़ एन एरिया ऑफ फील्ड अराउंड फिजिकल बॉडी. तो हम सब जानते हैं कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसके चारों तरफ उसका जो एहसास होता है, उसकी जो एनर्जी फील्ड होती है, अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. तो अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है जिसको हम शक्ति कहते हैं, एंड यू नो कि ये शक्ति जिस समय नहीं रहती है तो वो बॉडी ना होकर डेड बॉडी हो जाती है. तो डेफिनेटली ईच वन ऑफ अस हैव अ एनर्जी बॉडी, और इसी वजह से हमारे चारों तरफ एक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक एनर्जी फील्ड कहना ज़्यादा उचित होगा, एनर्जी फील्ड होती है. अब इसको इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन्स डोंट हैव वेट, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का वेट नगण्य होता है. मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी है. प्रोटॉन्स की जब बात की गई तो प्रोटॉन्स का भी वेट नहीं होता है, और फिर प्लस माइनस दोनों ही एक दूसरे को नलीफाई करके एटम को न्यूट्रल बना देते हैं. और ये भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए, दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं या एटम के लिए ज़रूरी है कहना चाहिए अगर हम अपने आप को एटॉमिक लेवल पे समझें तो. लेकिन उसी एटम के अंदर एक पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, केवल उसके पास वेट होता है और वो सेंटर में सिचुएटेड होता है. ऐसा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम है जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद निर्धारित किया गया था, उसके अनुसार न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो वेट होता है उसमें, प्रोटॉन में वेट नहीं होता. तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम को अगर हम लें तो उसमें एटम का वेट बराबर उसके न्यूट्रॉन का वेट होता है. इसी तरह से अगर ह्यूमन बॉडी आप कंसिडर करो तो हम जानते हैं 70% पानी है इसमें, 30% एयर और अर्थ यानी कि हड्डियां हैं, फिर स्पेस है, बहुत सारा स्पेस है. हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो स्पेस है, व्योम, एंड हार्ट एंड हीट एनर्जी.
लेकिन ये जो स्पेस और हीट है, ये दोनों ही चीज़ें सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हुए भी कोई भी स्पेस जगह नहीं घेरती हैं, जबकि पानी, हवा और मिट्टी ये तीनों मटेरियल है, इसलिए ये स्पेस को घेरते हैं, यानी हमारी बॉडी में कंटेंट जो जगह है उसको ये ऑक्यूपाई करते हैं। और इनका वेट भी होता है, पानी का वेट होता है, किसी बैलून में आप पानी भर दीजिए, खाली बैलून वे कर लो और पानी वाला कर लो तो पानी वाला हैवी होता है, इसी तरह हवा भर दो तो हवा वाला बैलून हैवी होगा, मिट्टी भर दो तो मिट्टी वाला बैलून ज़्यादा भारी होगा। तो आप देखोगे कि पानी, हवा और मिट्टी तीनों का वेट होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में जगह है दैट इज़ स्पेस, आकाश है और हीट है, एनर्जी है, ये दोनों में ही जो है वेट नहीं होता है। तो ये फिगर आप देखो, इसमें जैसे एक कंटेनर ले लिया, उसमें वाटर भरा हुआ है, या बैलून ले लो उसमें वाटर भरा है, हवा भी है उसके अंदर, पानी में हवा भी होती है, और कुछ पत्थर डाल दिए, तो इस पूरे का तीनों का मिला जुला करके जो भी कुछ एक्ट करेगा वो mg के बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। और वेट हम जाते हैं जानते हैं कि टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, ये हमको खींचता है सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, और इसी की वजह से हम अर्थ पे बने रहते हैं, उड़ते नहीं हैं अर्थ से बाहर। और हम ये भी जानते हैं कि ग्रेविटी की फोर्स की वजह से हम इसमें अर्थ पे फ्लाई नहीं करते, जबकि हम अगर मून पे जाएं तो 1/6 वेट हो जाता है, तो वहाँ पे हम उड़ने लगेंगे, सो वी विल जस्ट लेविटेट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है, वहाँ पे मून जो mg को है वो अट्रैक्ट कर नहीं पा रहा उतनी ताकत से अपने प्रति। लेकिन अगर अर्थ पे ही रहते हुए लेविटेट करना चाहें तो फिर कैसे होगा? तो उसका तो एक कारण है, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो तो देखो कम ज़्यादा होने से रही, और फिर भी अगर मुनि और ऋषि और जो जाने माने लोग हैं वो अगर लेविटेट कर पाते हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, तो फिर इसका मतलब कि उन्होंने अपनी ही बॉडी में कुछ ट्यून इन किया है, ट्यूनिंग कहते हैं, अपनी बॉडी को ही उन्होंने एडजस्ट किया है ऐसे, जिसकी वजह से वो हल्के हो जाते हैं, या हवा में उड़ सकते हैं या पानी पे चल सकते हैं। तो अर्थ में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी ही बॉडी की जो मशीन है उसमें कोई एडजस्टमेंट किया, वो एडजस्टमेंट क्या है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सो नाउ वेट इज़ एक्चुअली सम टोटल ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ईच एटम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड गैस, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। बट इफ़ वी से ईच एटम या सेल इट्सेल्फ आल्सो हैज़ इट्स ओन एनर्जी बॉडी, then whatever its physical weight, its energy body is other than the weight, and its energy body does not have weight or very less in comparison to the physical state. तो अगर हम मान लें कि जिस भी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, मान लो कोई मिस्टर श्याम है, उनकी बॉडी की बात करो, तो उसमें जितने मिलियन ट्रिलियंस ऑफ एटम हैं, हर एटम का अपना एक फिजिकल वेट है, और उसमें अपना एक स्पेस है, और उसमें एनर्जी है। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एटम है या कोई सेल है जिससे ह्यूमंस या लिविंग बीइंग्स बनते हैं, उनकी अपनी एनर्जी बॉडी भी होती है और अपनी उनकी फिजिकल बॉडी का वेट भी होता है, क्योंकि उनके पास फिजिकल बॉडी है। इसी वजह से अगर उनके एनर्जी बॉडी अलग मान ली जाए उनकी फिजिकल वेट या फिजिकल बॉडी से, then we assume that its every energy body does not have weight. तो हम दोनों ही bodies को जब सामने रखेंगे तो हम देखेंगे कि जो energy body है उसमें तो weight नहीं है, लेकिन जो physical body है वो weight का कारण है। तब फिर हम क्या कहेंगे कि अगर जैसे example diagram देख लो आप, atom है, अंदर energy atom है, मान लो atom के दो पक्ष, तो ग्रेविटी जो है वो फिज़िकल पे एक्ट करेगी, ग्रेविटी कभी भी एनर्जी पे एक्ट नहीं कर पाती, यही कारण है फायर अर्थ से ऊपर की तरफ उठती है, लेकिन पानी जो है अर्थ में नीचे की तरफ गिरता है। तो फिज़िकल बॉडी पे ग्रेविटी काम करती है और एनर्जी बॉडी पे ग्रेविटी काम नहीं करती है, ये बात हमको समझ में आती है। अगर प्रत्येक एटम को देखो तो हर एटम इसी तरह से बना हुआ है, तो या तो आप फिजिकल बॉडी के हिसाब से काम करो या फिर एनर्जी बॉडी के हिसाब से काम करो। सो देयरफॉर इस बात को आगे बढ़ाओ
कि देयरफॉर द एक्टिवनेस ऑफ फिजिकल वर्सेस एनर्जी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग्स लेविटेटिंग। तो निष्कर्ष क्या निकला मेरा इस पूरे सोच विचार का कि जो फिजिकल बॉडी वर्सेस एनर्जी बॉडी की जो एक्टिवनेस होती है उसी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी ह्यूमन लेविटेट कर सकता है, हवा में उड़ सकता है। अगर इफ़ अ पर्सन कैन कॉन्सेंट्रेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन इट्स एनर्जी बॉडी, अगर आप ध्यान योग मेडिटेशन कैसे भी करके आप अपने आप को स्थित कर लें एनर्जी बॉडी में, फिजिकल बॉडी से अंदर की तरफ खींच करके आप अपनी एनर्जी बॉडी में कॉन्सेंट्रेट हो जाएं, तब फिर उस पर अर्थ की ग्रेविटी काम नहीं करेगी और आप लेविटेट कर सकते हैं। देन द पर्सन फिजिकल बॉडी डजंट फॉलो। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपकी पूरा का पूरा जो सेकंड कर लिया आपने खुद को, जैसे ट्रॉटॉइज अपने पूरे हाथ पर सिकोड़ लेता है शेल के अंदर, उसी तरह से आपने अपना फिजिकल बॉडी से अपने प्राण अंदर खींच लिए। तो आप जैसे ही एनर्जी बॉडी में आप स्थित हो जाते हो, सो इन अ सेंस यू हैव डिटैच्ड योर सेल्फ फ्रॉम फिजिकल बॉडी। उस केस में हो सकता है मैं आपको नोचूं तो आपको पता ही ना चले कि आपने मुझे नोच लिया। तो ऐसे एग्जांपल्स हुए हैं हमारे हिस्ट्री में भी। सो इन दैट केस व्हेन यू आर कॉन्सेंट्रेटेड इन योर एनर्जी बॉडी, तो फिर डेफिनेटली आपके ऊपर अर्थ की ग्रेविटी काम नहीं करेगी। एंड इन दैट केस यू कैन स्टार्ट योर सेल्फ लिफ्टिंग अप। लोग देख रहे होंगे कि आप लिफ्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा होगा। सो देयरफॉर लाइकवाइज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ग्रेविटी लाइक सोल एनर्जी रेडिएशन। ये सोल एनर्जी रेडिएशन, इन सब चीज़ों पर ग्रेविटी का प्रभाव नहीं होता, अर्थ का प्रभाव नहीं होता। ये सब आत्मा भी बॉडी से निकलेगी तो ऊपर की तरफ चली जाएगी, एनर्जी भी नीचे से उठेगी तो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। रेडिएशन तो कहीं पे भी आ जा सकता है, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। मोर ओवर वट एवर वी थिंक इन फिजिकल इज एक्चुअली फ्लोटिंग इन स्पेस एयर लाइक फिश इन वाटर। तो हम लोग का ये भी मिसकॉन्सेप्शन है, जैसे हम चेयर पे बैठे हैं तो हमें लगता है कि हम चेयर पे बैठे हैं, जबकि हम ये चीज़ नहीं समझ पाते कि आई एम एक्चुअली फ्लोटिंग इन द फ्लूइड। सो वी एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड दैट वी आर सिंपली फ्लोटिंग इन एयर लाइक अ फिश इज फ्लोटिंग इन वाटर। जैसे मछली पानी में तैरती है, ठीक उसी तरह से हम भी तो तैर रहे हैं इस पूरे स्पेस में, इस पूरी एयर के मीडियम में। तो इसी वजह से जब भी फिजिकल मैनिफेस्टेशन कॉन्सेंट्रेट देमसेल्व्स इन एनर्जी बॉडी, जब भी फिजिकल जो मैनिफेस्टेशन है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो फॉर्म्स हैं, वो अपने आप को एनर्जी बॉडी में लोकेट कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं, देन दे कैन लेविटेट बिकॉज नाउ दे आर नो मोर फिजिकल। वो लेविटेट कर सकते हैं क्योंकि अब वो फिजिकल बॉडी रहे ही नहीं गए हैं। ऑल्दो अ पर्सन सीइंग देम स्टिल फील्स दैट इट्स अ फिजिकल बॉडी, दैट इट सीम्स टू हिम लाइक अ मैजिक। तो जो व्यक्ति बाहर से देख रहा होगा उसको, तो उसको तो अभी भी लगेगा कि अरे जादू हो रहा है, ये तो उड़ रहा है, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। मैंने कहा था तो ये जैसे फिगर रही तो ये तो सरप्राइज हो जाएगा, वाह, लेकिन ये व्यक्ति को पता नहीं चलेगा जो पानी पे चल रहा है या उड़ रहा है। बिकॉज अ थिंग फ्लोट्स ऑन वाटर एयर इफ इट इज़ लाइटर देन इट। तो कोई भी चीज़ पानी पे हवा में तभी तैरती है जब उससे हल्की हो। गुब्बारा हीलियम का आप भर दीजिए तो ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि वो हवा से हल्का है। तो आप अगर आपकी बॉडी हल्की हो जाएगी इन अदर मीडियम से, तभी ना आप ऊपर उठेंगे। सो देयरफॉर द मेन थिंग इज़ हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, हाउ टू बिकम एस्टैब्लिश्ड, कैसे स्थित करें आप खुद को इन योर एनर्जी बॉडी। एक तो एनर्जी बॉडी क्या है उसका ज्ञान लीजिए, फिर उस एनर्जी बॉडी में क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप खुद को खींच सकते हैं, कैसे ट्रॉटोइस की तरह आप अपने पैरों को सिकोड़ सकते हो, जब चाहें आप फिजिकल बॉडी में आ सकते हैं। तो ये चीज़ सीखने समझने वाली है। द ओनली टैलेंट रिक्वायर्ड इज़ हाउ। सो दिस इज़ द ओनली क्वेश्चन कि आप कैसे कर पाएंगे ये अपनी शिफ्टिंग जो है आपकी फ्रॉम फिजिकल टू एनर्जी एंड एनर्जी टू फिजिकल, अगर आप ये कर पाएँ तो। सो द आंसर इज़ बाय कॉन्सेंट्रेटिंग योर सेल्फ इन बॉडी नंबर टू।
सो आंसर तो इसका हमें पता है कि जब हम कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने आप को एनर्जी बॉडी में। लेकिन ये करेंगे कैसे, इसका प्रोसेस क्या है? तो वन वर्ड में इसका प्रोसेस है बी अवेयर। नाउ अवेयरनेस इज द टॉपिक अबाउट विच बुद्ध हैज टॉक्ड। बुद्ध हैज डन अ ट्रेमेंडस साइंटिफिक वर्क ऑन नोइंग व्हाट इज अवेयरनेस। अवर ऑल द वेदास आर प्रोक्लेमिंग अबाउट बीइंग अवेयर। उन्होंने गॉड की कहीं बात ही नहीं करी है वेद में। वेद में केवल अवेयरनेस की बात है कि हाउ टू बी अवेयर, बिकॉज वंस यू आर अवेयर यू आर अ गॉड योर सेल्फ, यू आर एक्चुअली द वन हुम यू आर सर्चिंग। सो दैट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी माइंड बॉगलिंग एंड यू एंड पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन। एंड द प्रॉब्लम बींग दैट द एजुकेशन इज लैकिंग दैट लेवल ऑफ मेंटल एक्सरसाइज। तो जो दिमागी तौर पर काम करने की एक टेंडेंसी होती थी वो आज की जनरेशन में डेफिनेटली कम हुई है। और आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इट हैज़ इवन मोर क्रिपल्ड। सो दैट थिंग इज़ वेरी मच टू बी डन। आई प्रे टू गॉड दैट कहीं ना कहीं से वो रास्ता खुले जिससे ये पूरा ज्ञान उतरे लोगों में। एंड whosoever talks of self-realization can have an idea what I am talking about. But in fact, कम से कम आप देख तो सकते ही हैं। नहीं पता है कि लाइफ में आपको कब कौन सा एक्सपीरियंस हो जाए। अगर आप एनलाइटेंड पर्सन हैं, अगर आपको ज्ञान हो चुका है, तो वो कोई ठप्पा नहीं लग जाता है माथे पे कि आप बहुत सर्वज्ञानी हैं या आप एनलाइटेंड पर्सन हैं। आप केवल अंदर से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बाहर से आप वही रहते हैं, दिनचर्या आपकी वही रहती, काम आप वही करते हैं, लेकिन आप यू आर अ एंटायरली डिफरेंट बींग फ्रॉम इनसाइड। अ लैम्प इज बीन लिट इनसाइड, दैट मीन्स यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एज दे आर। जो सत्य को उसी तरह से देखना की क्षमता आ जाती है जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन भगवत गीता एक दृष्टांत है, अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो कभी, कि रस्सी को सांप समझ लेने का दृष्टांत है। तो अगर आपके पास हाथ में टॉर्च है तो आप को जब भी वो गोल सा कुंडली लगा हुआ कोई चीज़ रखेगा तो आप पहली बार अगर निकलेंगे तो आप डर जाएंगे कि अरे सांप है, काट लिया होगा। वो डर के मारे आप कोलैप्स कर जाएंगे, आप मर जाएंगे और आप या तो इंसेन हो जाएंगे। बट अगर आपके हाथ में टॉर्च है, दूसरी बार आप उसी रास्ते से गए, वही घटना घटी, तो आप तुरंत क्या करेंगे, टॉर्च जलाएंगे, देखेंगे अरे नहीं ये तो सांप नहीं है, ये रस्सी है। जैसे ही आपको ये पता चल गया कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है, तो आपकी जो सफरिंग है वो दूर हो गई। जबकि अगर आपके अंधेरा था और अंधेरे में आपने सांप पर भी पैर रख दिया तो आप हमेशा इसी डर में रहेंगे कि मैं तो मर जाऊंगा क्योंकि मुझे सांप ने काट लिया है। वाकई आप मर भी जाएंगे क्योंकि आप खुद के ही लिए वो कंडीशंस पैदा करते हैं जिसको आप सफ़र करते हो। सो ये बात बिल्कुल सही है जब लोग कहते हैं कि यू आर द क्रिएटर, यू आर ब्रह्मा, फाइन, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ही होती हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में टॉर्च है तो आप देख पाएंगे कि नहीं भाई ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, तुरंत आपकी सफरिंग दूर हो जाएगी। तो चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम आपके अपना एक लाइट लैम्प तो हो। बुद्ध हमेशा कहते थे कि लाइट योर लैम्प बिफोर यू डाई, मरने से पहले आप अपना दीपक जला लें। तो चीज़ें जैसी हैं वो दिखने लगेंगी तो सफरिंग दूर हो जाती है। बुद्ध का पूरा जो दर्शन है वो सफरिंग पे बेस्ड है कि लाइफ है तो सफरिंग है, सफरिंग है तो कारण है, कारण है तो कारण को दूर किया जा सकता है, दूर करने का ये तरीका है। तो वेरी साइंटिफिकली हैज़ एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट, तो आप अपना अगर हाथ में टॉर्च होगा तो फाइन। मान लो दूसरी तीसरी बार आप गए उसी रास्ते से, आपने लाइट जला के चेक किया, इस बार वाकई सांप था, तो आप बच जाएंगे ना, यू विल मेक योर सेल्फ सेफ। तो तीनों ही कंडीशंस पे आप विचार करिए। आप अंधेरे में आपका लैंप नहीं जला है तो आप
ने पैर रखा, भले ही वो रस्सी है, सांप नहीं था, फिर भी आप सफ़र किए, सफ़र करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, और उसी सफ़रिंग में आप एंड हो जाएगा आपका। फिर आपके पास टॉर्च है, टॉर्च में फिर आप गए, रस्सी पे पैर पड़ा, टॉर्च जलाई, देखा रस्सी है, सांप नहीं है, आपकी सफ़रिंग तुरंत दूर हो गई, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, नॉलेज का लैम्प है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ इग्नोरेंस, और इग्नोरेंस कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय नॉलेज, ये आत्मबोध कहता है। सो देयरफॉर दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आपके पास टॉर्च है, फाइनली मान लीजिए आपने सांप पे भी पैर रख दिया, सो व्हाट विल हैपन, यू नो कि ये सांप है, या तो आप बच के निकल जाएंगे, या अगर आपने रख ही दिया आप तो तुरंत दौड़ जाएंगे डॉक्टर की तरफ और बच जाएंगे। सो यू हैव द वेरी क्लियरेंस, जब क्लैरिटी आ जाती है ना हर चीज़ को समझने की, करने की, कि क्यों, क्या, कैसे और क्या है, यही एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट मतलब ये नहीं होता है कि आप के बल्ब जलने लगेंगे, आपकी बॉडी से रोशनी निकलने लगेगी, जैसा एक नहीं मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि एनलाइटन पर्सन बिल्कुल तीसरी आँख खुल जाएगी, कुछ और हो जाएगा। नो, एनलाइटन पर्सन भी आपकी तरह हमारी तरह ही दिखने में होते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट थिंग विच आई हैव रिटन, और मैंने इसको यूट्यूब पर केवल इतने के लिए अपलोड कर रहे हैं कि ये रह जाए, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी चीज़ आप डाल दो तो वो काफ़ी समय तक बनी रहती है, अनलेस यूट्यूब भी उसको डिलीट कर दे, तो थिंग्स विल रिमेन टिल यूट्यूब इज़ ऑफ कोर्स। तो थैंक्स टू द यूट्यूब फैमिली जो कि ये एक फैसिलिटी दी है हम लोग को, केवल बिजनेस का तरीका नहीं है, केवल अपने आप को बढ़ाने का तरीका नहीं है, इट्स समथिंग कि आपके अंदर कुछ ओरिजिनल चीज़ आई है तो आप उसको जस्ट रख सकते हैं कहीं ऐसी जगह जो खो ना जाएगी, ख़राब नहीं होगी शायद। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय फॉर नाउ, कीप सेफ, कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।